हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा चिकन पॉक्स के अबाउट। ये चिकन पॉक्स क्या है, इसके क्या काउज हैं, अगर कोई चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं तो उनमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हमें क्या मैनेजमेंट करने चाहिए। आइए फ्रेंड्स, तो आज बातें करते हैं ये चिकन पॉक्स क्या है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे कि वेरिशिल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हाईली कॉन्टाजियस डिजीजेज हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टामिनेट होने से या फिर उसके संपर्क में आने से ये डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, ये डिजीज ट्रेवल कर जाते हैं। वेरिशिल्ला जोस्टर वायरस, वेरिशिल्ला जोस्टर वायरस के कारण ही ये चिकन पॉक्स डेवलप करते हैं। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टामिनेशन से, उसके ड्रॉपलेट से, उसके स्नीजिंग से या फिर उसके डायरेक्ट टचिंग से ये दूसरे के बॉडी में ये ट्रेवल कर सकते हैं, ये स्प्रेड करते हैं। तो आइए, अगर कोई चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं तो उनमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। इसके जो चिकन पॉक्स के रैसेस होते हैं, उस रैसेस के बिफोर 24 to 48 आवर कुछ साइन सिम्टम्स पहले से ही दिखने को मिलता है। वो है फीवर, बॉडी के टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगते हैं और फीवर के कंडीशंस होते हैं। ऐसे पेशेंट को बॉडी एक भी होता है, बॉडी में पेन देखने को मिलता है, मसल एक, मसल्स में भी पेन होते हैं, फटीग, ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी थक जाते हैं, इरिटेबल फीलिंग, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप कुछ बातें करें, कुछ बातें भी कहें तो ये बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट्स को भूख नहीं लगता है, भूख में कमी हो जाती है। हेडेक, हेडेक का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग भी देखे जाते हैं, उल्टी होना भी देखे जाते हैं। अपटर 24 to 48 आवर रैसेस के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, पिंक एंड रेड बम्प्स लाइक अपीयरेंस जिसे कि पेप्यूल्स कहते हैं। ये फर्स्टली चेस्ट, बैक एंड फेस पे इसका धीरे धीरे अपीयरेंस होता है और धीरे धीरे ऑल ओवर दी इंटायर बॉडी में ये स्प्रेड कर जाते हैं। सेकेंड स्टेजेज में क्या देखे जाते हैं, ये जो बम्प्स होते हैं पिंक रेड, उसमें फ्लूड फिल्ड होने लगते हैं, ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस जिसे कि वेसिकल कहते हैं। अबाउट 1 days ये वेसिकल रप्चर हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं और इसके फ्लूइड लीक कर जाते हैं। और ये थर्ड स्टेज में क्या होता है, उस पे क्रस्ट और स्कैब का फॉर्मेशंस हो जाते हैं। ये 3 stages रेसेस के ऐसे देखने को मिलते हैं। After 5 to 10 days, 5 or 10 दिनों के बाद ये सिम्टम्स रिमूव भी होने लगते हैं। अगर ऐसे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हो तो ये चिकन पॉक्स के साइन सिम्टम्स हैं। आइए बातें करते हैं इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से हाइजेनिक नहीं रख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में ट्रेवल करते रहते हैं, तो उस कंडीशंस में उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहें या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा, ये वायरस लंग्स पे अटैक करके निमोनिया भी डेवलप कराते हैं। फिर ये ब्रेन पे भी अटैक कर सकते हैं, वहां पे इंसेफलाइटिस, मेनिनजाइटिस भी डेवलप कराते हैं। ये इन्फेक्शंस अगर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो वहां पे सेप्सिस डेवलप कराते हैं।
और डिहाइड्रेशन के भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वेसिकल में फ्लूड एक्यूमुलेट होता है और रप्चर करने के बाद, लीक करने के बाद वो सारे फ्लूड बाहर आ जाते हैं। उस कंडीशन से डिहाइड्रेशन के भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स को हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, तो अब बातें करते हैं कि अगर ऐसे चिकन पॉक्स के कोई पेशेंट हैं तो हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले वैसे पेशेंट्स को कूल एरिया, हाइजेनिक एरिया में, साफ सुथरे एरिया में ले जाएं। उसके बेड पूरा साफ सुथरा हाइजेनिक होना चाहिए, क्योंकि हॉट एरिया में क्या होता है, स्वेटिंग ज्यादा होता है और वहां पे इचिंग होने का कंडीशंस बढ़ सकते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसलिए वैसे पेशेंट्स को कूल एरिया में ले जाएं और हाइजेनिक एरिया में रखें। अगर वैसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फीवर आ रहे हो तो वहां पे आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग देखा जा रहा हो तो वहां पे एंटी इमेटिक मेडिसिन आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। एवॉइड इचिंग, इचिंग बहुत ज्यादा होता है रेसेस पे, लेकिन आपको इचिंग को अवॉइड करना है, इचिंग नहीं करना है, क्योंकि वहां पे इचिंग करने से गड्ढे हो सकते हैं, स्वेलोइंग हो सकते हैं, वहां पे डेप्थ एरिया हो सकते हैं, तो वहां पे आपको नेल नहीं लगाना है। अवॉइड इचिंग को अवॉइड करना है। एवॉइड नॉन वेजिटेरियन डाइट, ऐसे कंडीशंस में आपको नॉन वेज नहीं लेने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट यूज नहीं करने चाहिए। यूज फ्लूड यानी कि यहां पे कोकोनट वाटर आप यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप वगैरह आप यूज कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट को सीधे एवॉइड करना चाहिए। डाइजेस्टेबल फूड को यूज करना चाहिए, एज लाइक खिचड़ी आप ले सकते हैं, प्लेन राइस यूज कर सकते हैं। आप कोकोनट वाटर को ये स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को भी यूज कर सकते हैं वो अनहाइजीनिक बनाने के लिए। ये हो गए आपके मैनेजमेंट। अगर कोई चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं तो आप ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए बातें करते हैं कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के अबाउट, जो कि चिकन पॉक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन है वेरियोलिनम। वेरियोलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आप इसे प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा ये वायरस फैले हुए हैं किसी एरिया में, तो आप 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले ये मेडिसिन को यूज करते हैं तो आपको ये चिकन पॉक्स से प्रिवेंट भी करता है। अगर चिकन पॉक्स हो गए हो देन इस मेडिसिन को यूज करने के बाद ये बहुत ज्यादा फायदा मिलते हैं। और बहुत सारे मेडिसिन हैं, एज लाइक एंटिम टार्ट, एंटिम क्रूड, रस टॉक्स, डलका मारा, ब्रैनिया, ये सब मेडिसिन हैं, इस ग्रुप के मेडिसिन हैं जो कि चिकन पॉक्स में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चंस हो इसके अबाउट, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके चिकन पॉक्स के अबाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।